जब से ये मसला उठा है, जब से करारदाद पेश की गई है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका शायद पाकिस्तान को एक बार फिर 71 वाली सिचुएशन में धकेलना चाह रहा है, कहीं अल्लाह ना करें कि दोबारा मशरिकी पाकिस्तान जैसा सानिया पेश आ जाए। समी साहब ने जो बात की है, मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा। ये बलूचिस्तान में जो पैदाशुदा सूरत हाल है, ये अमरीका का पाकिस्तान के हवाले से ग्रेट गेम उसका एक हिस्सा है कि ये यकदम ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई और एक रेजोल्यूशन आ गई। देखें, ये मामला शुरू हुआ था रेमंड डेविड्स की गिरफ्तारी से, उसके बाद सानिया एप्टाबाद, और उसके बाद हलाला चेक पोस्ट पर हमला। ये पाकिस्तान को अंडर प्रेशर लाने के लिए और पाकिस्तानी फौज पे असरअंदाज होने की कोशिश है। और बात ये इन्होंने दुरुस्त कही है कि ये इस मामले पे अब सर जोड़ने की ज़रूरत है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का बड़ा सूबा है और वो वसाइल से माला माल है, और अमेरिका के उसके हवाले से वहाँ पर एक एजेंडा है, उनके अपने मफादात हैं। और मैं समझता हूँ ये अहम खबर है, हुकूमत पाकिस्तान के जुम्मेदार ज़राए ने मुझे बताया कि वहाँ पर खुद अमेरिका और भारत वहाँ पर असरअंदाज हो रहा है, और जो इस ज़मन में जो सबूत हैं वो पार्लियामेंट के सामने पेश करने का फैसला किया है। खुद प्राइम मिनिस्टर ने, आपको याद होगा, 2 साल पहले पाकिस्तान से बाहर एक बैन अल-अक़वामी प्लेटफार्म पर कहा था कि भारत बलूचिस्तान की बदमनी में शरीक है, और खुद वजीर दाखिला ने वहाँ जाके क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि हमारे पास शवाहद है। देखें, पाकिस्तानी एजेंसीज की बात भी की जा रही है कि वहाँ की सूरतेहाल के बगाड़ में उनका रोल है। मैं समझता हूँ कि पहले इन्हें चाहिए कि अपनी पॉलिसीज पर नजरसानी करें, पहले जब ये हमारी एजेंसीज अपना रोल पॉजिटिव रोल अदा करेंगी तो फिर हम बैरूनी हाथ के बारे में कह सकेंगे कि उनका सदेबाब हो। खबर ये है, देखिए सुबह 8:05 पर सिर्फ दुनिया न्यूज़ पर।